subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. वेलकम माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अडा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी। सुबह के 5 बज चुके हैं और 9 अक्टूबर को आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है आपके लिए कुछ पिक्यूलियर वर्ड्स लेकर। गाइज, आप लोगों ने जितना प्यार इस सेशन को देते हो मुझे बहुत अच्छा लगा। 7 अक्टूबर का और 8 अक्टूबर का जो आपके व्यूज़ थे मुझे बहुत अच्छा लगा है। बस आपको यही करना है, इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कर दीजिए और शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सेशन शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए कितना अच्छा है। तो आज के अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से वर्ड के साथ। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार दिखाया जाए। क्राई फॉर द मून, ये एक ईडियम है, ये एक ऐसा ईडियम है आपके एसएससी में न जाने कितनी बार आ चुका है। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? मून होता है चांद, क्राई का मतलब क्या होता है? रोना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि चांद के लिए रोना। क्राई फॉर द मून का मतलब होता है Try for something impossible, to demand something impossible, cry for something impossible। अगर आप जो चीज़ आप पा नहीं सकते उस चीज़ के लिए अगर आप डिमांड कर रहे हो उसको कहते हैं यू आर क्राइंग फॉर द मून। कंप्यूटर महोदय जरा एक बार इसका आंसर दिखाया जाए। द वर्कर्स जस्ट वॉन्ट देयर सैलरी, अगर आप ये कहना चाहते हो वो क्या ऐसा मांग रहे हैं, वो कौन सा बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सैलरी मांग रहे हैं। वर्कर्स जस्ट वॉन्ट देयर सैलरी, दे आर नॉट क्राइंग फॉर द मून, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। मैंने एक फोटोग्राफिक मेमोरी से आपको दिखाने की कोशिश की है, आज के बाद ये हमेशा आपको याद रहेगा। तो कैसा लगा जल्दी से एक बार एक लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। आते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। ये है हमारा दूसरा वर्ड, ये है, इसको क्या बोलते हैं? ए डैब हैंड। डैब हैंड का मीनिंग क्या होता है? अब ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, इसलिए इस शो का नाम ही विचित्र है। डैब हैंड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो किसी भी काम करने में परफेक्ट होता है, एड्रॉइट है, कुशल है, इसको आप बोलते हैं। कंप्यूटर होते जरा एक बार इसका आंसर दिखाया जाए। अ पर्सन हु इज गुड एट समथिंग, इसको क्या बोलते हैं? डैब हैंड बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका यूसेज और इसकी पिक्चर को। हिज वाइफ इज अ डैब हैंड एट मेकिंग स्वीट्स, उसकी जो वाइफ है वो एक डैब हैंड है स्वीट्स को बनाने में। बहुत अच्छे तरीके से ये जो देवी जी हैं वो क्या बनाते हैं? स्वीट्स बनाते हैं। यू आर अ डैब हैंड, यू कैन से एट म्यूजिक, आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। किसी भी चीज में अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको बोल सकते हो आई एम अ डैब हैंड। आज के अपने तीसरे और आखिरी फ्रेज को देखते हैं और वो है आपके सामने फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट एक ऐसा ईडियम है, बहुत बार आपके ये यूज होता है। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, ऑइंटमेंट होता है एक आपका जो लेप होता है जिसको आप फेस पे लगाते हो खूबसूरत बनने के लिए, वो ऑइंटमेंट होता है। उसमें कोई मक्खी का गिर जाना इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब होता है ए पर्सन हु या कोई ऐसी चीज़ जो आपके प्लेजर को स्पॉइल कर देती है, जो आपके यू कैन से इंजॉयमेंट को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है, उसको बोलते हैं क्या? अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। आइए देखते हैं इसका यूसेज और एक पिक्चर के थ्रू। ही इज़ अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, कोई ऐसा इंसान है जो आपको इरिटेटिंग करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, आपके खलल डालता है, खलल जिसको आप बोलते हैं उसको आप बोल सकते हो ही इज़ अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो शेड्यूल है एसएससी अड्डा पे वो क्या है। 5 बजे मेरा पिक्यूलर इडियम्स का और फ्रेजेस का लेक्चर आता है जो कि अभी हम देख रहे हैं। 4 बजे मैं ग्रामर फॉर CPO, जो CPO का हमने पूरा बैच चलाया हुआ है, पहले मेरी क्लास होती है इंग्लिश की, उसके बाद आपकी रीजनिंग की होती है, फिर आपकी मैथ की होती है, फिर आपकी GS की होती है, उसमें 4 से 5 जो आपका स्लॉट है उसमें मैं SSC CPO जो कि हमारा अभी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए मैं ग्रामर करवाता हूँ। 10:30 में वो कैब की ट्रिक्स लेता हूँ, सिर्फ आधे घंटे का शॉर्ट एंड स्वीट जो है ये एक सेशन होता है, प्लीज़ आप इसको जरूर अटेंड कीजिए। और 11 PM पे मैं ग्रामर लेता हूँ सारे सारे एग्ज़ाम के लिए। जो बच्चे यू कैन से वर्किंग है, काम करते हैं, उनको रात को ही टाइम मिलता है, या जो स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हो कि नहीं आप अच्छे तरीके से और ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आप इन चारों के चारों शो में ज़रूर एक बार आएँ, आप इनको देखें। ये हल्के हल्के से थोड़े थोड़े टाइम के शो हैं, ये आप लोगों के ग्रामर को, आपकी वोकैब को, आपके कॉम्प्रिहेंशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देंगे। तो गाइज़, अगर आपको ये शो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आप इन वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं आपको बताता हूं। जितने भी वर्ड्स मैंने आज कराए हैं, जितने भी फ्रेजेस मैंने आज कराए हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है, अपने आपकी वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो गाइज, लेट्स रॉक। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।